जनपद बलिया जिलाधिकारी कार्यालय पर एशेज के लिए धरना प्रदर्शन। जनपद बलिया उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा एवं उच्च चिकित्सा स्थापना जन जागरण समिति के बैनर तले विभिन्न संगठनों से जुड़े लोगों ने एशेज मांग को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय पर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। समिति के लोगों ने प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के नाम संबोधित मांग पत्र जिलाधिकारी के प्रतिनिधि को सौंपा। वक्ताओं ने कहा कि उत्तर प्रदेश बलिया जिला के चलते लोगों को छोटी छोटी बीमारियों के लिए लखनऊ जाना पड़ता है। विनोद गिरी ने कहा कि एम्स की स्थापना के लिए औपचारिकताएं पूरी हो चुकी है। अनिल कुमार सिंह सहायक विकास अधिकारी के पद से मैं रिटायर्ड हूँ और मैं जनपद गाजी बलिया का ही रहने वाला हूँ, जगदीशपुर मोहल्ले का। जिस तरह से आप लोग यहाँ पर धरना दे रहे हैं अपनी मांगों को लेकर, क्या लगता है कि आपकी मांगें पूरी हो सकती हैं? और हो सकती हैं तो क्यों हो सकती हैं? इसलिए हो सकती है पूरी क्योंकि इससे 150 से 200 किलोमीटर की दूरी पर कोई भी सुविधा नहीं है सब स्वास्थ्य संबंधित, और स्वास्थ्य संबंधित सुविधा न होने की वजह से बलिया दुरूह और पिछड़ापन में है, जिसके वजह से सारे रोगी बलिया की सीमा छोड़ते ही स्वर्गवास को चले जाते हैं। ऐसे में आपकी मांग क्या सरकार द्वारा सुनी गई है? यस, मेरी मांग सरकार द्वारा सुनी गई है और भारत सरकार से इसकी रिपोर्ट भी मांगी गई है, जो बलिया के जिला अधिकारी महोदय द्वारा इस जमीन की पैमाइश करके मुख्यमंत्री कार्यालय को प्रेषित है। मैं डॉक्टर अरविंद उपाध्याय टाउन महाविद्यालय में संगीत प्राध्यापक हूँ और इस समिति का मेंबर हूं मैं। जिस तरह से आपकी समिति यहां पर अपनी मांगों के लेकर आवाज़ उठा रही है, हम जानना चाहते हैं कि पूर्व में आपकी समिति का कार्यभार क्या रहा, समिति का सामाजिक स्टेटस क्या रहा, हम जानना चाहते हैं। समाज में हमारी समिति लगभग 2014 से हम लोग इसमें लगे हुए हैं, इस मुद्दा को लेकर के। सबसे बड़ी बात है कि इतने हमारे ज़िले में सांसद मंत्री रहते हुए आज हमें इस तरह का धरना प्रदर्शन और इस तरह की आवाज़ उठाने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। ये शर्म की बात है इस जनपद के लिए कि ऐसे महान विभूतियों का ये धर्मस्थली और मंगल पांडे, चित्तू पांडे ऐसी विभूतियों की ये धरती रही है और वहाँ इस तरह की दुखों से कष्ट से झेलता हुआ व्यक्ति और मर जाता है आधे रास्ते जाकर ही, यह दुख की बात है। आप की समिति द्वारा एक अहम मुद्दा लेकर आप लोग चलते हैं एम्स को लेकर, जो कि पहले से भी है और शायद आज भी है, इसमें कहां तक आप लोगों को कामयाबी मिली है? सबसे बड़ी बात होती है कोई भी एम्स की बात आती है या कोई भी संस्थान की बात आती है तो सबसे पहला चीज होता है कि आपके पास भूमि कहाँ है। ये सबसे बड़ी बात है कि हमारे पास भूमि उपलब्ध है, 200 एकड़ की भूमि जो है उपलब्ध है और हम लोग आगे हर संभव जो कुछ भी है, आगे जो सरकार कहेगी कि हमें आप क्या भूमि दे सकते हैं तो हम तैयार हैं, बस उसकी सहमति उनका मनोविचार हम जानना चाहते हैं कि क्या हमारे साथ सरकार है या नहीं। मेरा नाम रामकृष्ण यादव है, मैं चिलकहर ब्लॉक से बिलोंग करता हूं और मैं वर्तमान प्रधान हूं पचनवार गांव का। जी, हम लोगों की मांग यह है कि यहाँ पर एम्स बने, क्योंकि दूर दराज तक हमारे यहाँ कोई बढ़िया अस्पताल नहीं है, कोई सुविधा नहीं है, यहाँ असमय मृत्यु हो जाती है, लेकिन बलिया के लोगों ने जो इतिहास में अपना नाम करने का काम किया वो आज तक हम लोगों को अधिकार नहीं मिला है, वो हमें अधिकार चाहिए। क्या हमारी मांगे आपके माध्यम से हम चाहते हैं कि भारत सरकार के कानों तक पहुंच जाए। मैं गौरी शंकर सिंह चिलघर ब्लॉक का प्रधान संघ का अध्यक्ष हूँ। ये बतावे, जिस तरह से आपकी टीम निरंतर ये प्रयासरत है कि बलिया में एम्स आए, इसमें कहाँ तक आप लोगों की सफलता मिली है? बलिया की सफलता के क्रम में हम लोग 200 एकड़ जमीन जो उसके लिए चाहिए एम्स खोलने के लिए, वो हम लोग ने निःशुल्क उपलब्ध करा दिया है। सबसे बड़ी बात जो है जमीन की उपलब्धता है, जिसको हम लोगों ने उपलब्ध करा दिया है भारत सरकार को। ये जमीन कहाँ पे आपने उपलब्ध कराया? जमीन जो है पखनपुरा सौन है, 200 एकड़ जमीन वहाँ के किसान, 51 एकड़ तो गाँव समाज की जमीन है और 150 एकड़ किसान अपनी जमीन का 20% यानी 150 एकड़ जमीन दी है। इस तरह से 200 एकड़ जमीन उपलब्ध करा दी गई है निःशुल्क एम्स खोलने। मेरा नाम डॉक्टर इंद्र प्रसाद, जिला एम्स जल जागरण संघर्ष समिति के संयोजक हैं। ये जिला जिलाधिकारी कार्यालय के सामने आप बड़े हुजूम के साथ यहाँ पर आप इकट्ठा हुए हैं, धरना दे रहे हैं, इसका उद्देश्य क्या, आप क्या चाहते हैं? इसका उद्देश्य ये है कि बलिया में एम्स स्थापित हो। ये पूर्व में एम्स जो बलिया के लिए पारित हुआ था वो एम्स काट कर भेज दिए गए गाजीपुर, इस पर आप क्या कहेंगे? आपने इसके लिए कोई पहल किया था? ऐसा है, गाजीपुर जो मेडिकल कॉलेज है लकी एम्स है, ये आपका 8 मेडिकल कॉलेज
जो केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार को दी वो उसमें जो है आपका गाजीपुर और देवरिया मेडिकल का मिल चुका है, रिक्त बलिया जो है इसमें खाली है। आप एम्स की बात करते हैं, अभी मेडिकल कॉलेज बलिया को नहीं मुहैया हो पा रहा है, फिर एम्स कैसे मुहैया हो सकते हैं, आप क्या कहेंगे इस पे? हाँ ऐसा है, मेडिकल कॉलेज आपके भारत सरकार से ये जमीन जो है चल रही है, हो सकता है कि हम लोगों के ये कार्रवाई से भारत सरकार बलिया में एम्स अभी मेडिकल कॉलेज नहीं दी हो सकता है, क्योंकि ये बागी बलिया है, बलिया बागी जब अपना दिखाएगा अपना केवर तो उसमें हो सकता है कि प्रधानमंत्री को ये झेलनी पड़े कि बलिया बागी बलिया जो है इसमें जो है एम्स लेने के लिए तैयार है, तो मैं इस स्थिति में मैं क्या करूँगा। इसलिए प्रधानमंत्री के सारी आशीर्वाद से ही ये बलिया जनपद में उच्च कोटि के अस्पताल देने के लिए भारत सरकार ने आपको उत्तर प्रदेश सरकार से दो जमीन मांगे। जमीन जो है 6 एकड़ यहाँ के ग्राम ये किसान या जनपदवासी 6 एकड़ जमीन है नाप में, लेकिन 200 एकड़ निःशुल्क जमीन एम्स के लिए दिया गया है।